भारत इतिहास मंडल के ट्रस्टी डॉक्टर सचिन जोशी, इन्होंने 200 साल पुराने मिलिट्री के दो फ्लैग रिस्टोर किए हैं जो काफ़ी बुरी हालत में थे। 200 साल पहले ये ब्रिटिश आर्मी की दो कंपनीज थी जो अब हमारी आर्मी की है, तो आइए हम उनसे इस बारे में सुनते हैं। 1812 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनकी आर्मी 1812 में बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री नाम से शुरू हुई। तो इस इन्फेंट्री की 23वीं रेजिमेंट जो थी, 23rd रेजिमेंट, इसकी स्थापना 1812 में हुई और इस रेजिमेंट ने तीन अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ की थी। एक अफगानिस्तान में लड़ाई की, परिशिया में, उसके बाद खड़की में भी इन्होंने लड़ाई की थी। और इनके जो फ्लैग्स हैं, वो रिस्टोरेशन के लिए पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल में आए थे। ये जो क्राउन दिख रहा है, इस क्राउन के नीचे 23rd इन्फेंट्री का जो नंबर है वो लिखा हुआ है। और ये यूनियन जैक का फ्लैग है, इसमें जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के साइड में ब्लू कलर के कुछ पट्टे थे और ये वाइट कलर के जो पट्टे हैं अभी वो ऑफ वाइट दिख रहे हैं, उसके रिमेन्स हमने वैसे ही रिस्टोर किए हैं। रिस्टोरेशन के दौरान इसको नीचे से कपड़ा लगाया गया है और क्राउन और बाकी एलिमेंट्स इसके ऊपर स्टिच किए हैं, पेस्ट किए हैं। दूसरा जो फ्लैग है, ये भी बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का ही फ्लैग है जिन्होंने अफगानिस्तान में 1879 में लड़ाई की थी, खड़की में लड़ाई की थी और उसके बाद परिशिया में भी इस इन्फेंट्री ने लड़ाई की थी। 23rd रेजिमेंट का लोगो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री 23rd रेजिमेंट। यहाँ इस कोने में यूनियन जैक का एक छोटा लोगो था, उसका सिर्फ इतना पैच बचा है, इसलिए उसको हम पेस्ट किया। अब हमें बताइए कि ये फ्लैग कहाँ से है? ये फ्लैग एक्चुअली पुणे में खड़की में ऑल सेंट चर्च नाम का एक चर्च है, उस चर्च में लगभग 150 साल ये फ्लैग वहाँ पे थे। इसको 150 साल किसी ने निकाला भी नहीं और वॉश भी नहीं किया। जब और राजपूत राइफल नाम की जो इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट है, इन्होंने ये ट्रेस किया कि ये फ्लैग ऑल सेंट चर्च में है और ऑल सेंट चर्च में जाके वो फ्लैग हमने उतारे। पहले दो फ्लैग जब उतारे तो वो पूरे ख़राब हो चुके थे, उसमें रिस्टोरेशन जैसा कोई बाकी नहीं था। बाद में जो दो फ्लैग एकदम धीरे से निकाले, उसमें से ये सब चीज़ें बची हुई थी और उसका हमने रिस्टोरेशन किया। अभी ये रिस्टोरेशन के बाद ये NDA में जाने वाले हैं। उसके बाद इनकी जो ओरिजिनल राइफल है, मतलब 23rd रेजिमेंट जो ब्रिटिश आर्मी की थी, वो आज और राजपूत राइफल, मतलब और राजपूताना राइफल नाम से जानी जाती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, तो ये उनके पास जाएगी, और राजपूत राइफल के पास। और फ्लैग के साथ उसके कुछ जिसपे फ्लैग लगाए थे वो भी था, फ्लैग के रॉड थे, फ्लैग के ऊपर कुछ क्राउन्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भी हम देख सकते हैं रिस्टोर किए हैं। और इसका रिप्लिका वगैरह कुछ करेंगे? इसके दो रिप्लिका हमने बनाए हैं, क्योंकि ये जितना रिस्टोर किया है क्राउन ये सब मिला के एक हमने डिज़ाइन बनाया है कि ओरिजिनली ये फ्लैग कैसा होगा, और उसके 6 कॉपीज हम ऑल सेंट चर्च और ये राजरी ट्राइपल, इनको हम देने वाले हैं।